आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह शैतान परमेश्वर के लोगों को अन्य भाषा का वरदान पाने से रोके रखता है। पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का वरदान पाने से रोकने में शैतान बहुत सफल रहा है। उसने बहुत सारी गलत भ्रांतियां इस विषय में प्रचलित कर रखी हैं, ताकि परमेश्वर के पवित्र जन अन्य भाषा का वरदान ना पाए और इस अन्य भाषा में प्रार्थना ना कर सकें। शैतान कलीसियाओं में और परमेश्वर के लोगों के बीच में वाद विवाद उत्पन्न करता है, जिससे कि परमेश्वर के लोगों की गलतफहमी और शंका निरंतर बनी रहे। इसको आप इस प्रकार समझिए कि यदि एक सैनिक जो अपने हथियारों को भली भांति पहचानता हो और जानता हो, लेकिन उसके पास वो हथियार ना हो, पवित्र आत्मा के इन वरदानों को ना पाने और इनका इस्तेमाल ना करने के कारण परमेश्वर की कलीसिया और बड़े पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए अपरिपक्व रह जाती है। पर अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों को पाए और उनका इस्तेमाल करे। अगर अभी तक आपने अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं पाया है, तो अब समय है कि आप उस वरदान को पाएं। अब तक की हुई सब बातों को भूल जाएं। आप ये भूल जाएं कि आप प्रयास कर चुके हैं पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा के वरदान को पाने का, और आपका वो प्रयास विफल रहा। आप ये भूल जाएं कि आपको ये बताया गया है कि अन्य भाषा का वरदान असल में है ही नहीं। और अगर आप ये वरदान पहले ही पा चुके हैं, तो आप इस वरदान को इस्तेमाल करें, और ये सबसे सही समय और सही स्थान है परमेश्वर के द्वारा दिए गए अन्य भाषा के वरदान को इस्तेमाल करने का। अगर आपने वरदान पाए हैं और उन वरदानों का आप इस्तेमाल ना करें, तो वो वरदान किसी काम के नहीं है आपके लिए। आइए हम उन कुछ गलत भ्रांतियों के बारे में जानते हैं जो शैतान ने विश्वासियों के बीच में डाल रखी हैं, और बहुत से विश्वासी इन पर विश्वास भी करते हैं। नंबर एक, अन्य भाषा का वरदान या अन्य भाषा शैतान की ओर से है, और जो अन्य भाषा में बोलता है वो शैतान ही उनके अंदर से, विश्वासियों के अंदर से बोल रहा होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस बात का कोई उदाहरण नहीं मिलता जिससे ये बात पुख्ता हो सके, पक्की हो सके कि दुष्ट आत्माएं या शैतान अन्य भाषा में बोल सकता है या अन्य भाषा की नकल कर सकता है। इसके विपरीत पवित्र शास्त्र बाइबल में कुरिन्थियों की पहली पत्री 12 अध्याय और 3 वचन ये कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और यही कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 अध्याय और उसकी 14वीं आयत कहती है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अतः अन्य भाषा का वरदान न तो शैतान की ओर से है, और न शैतान अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और न ही उसके कोई दूत अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। गलत भ्रांति नंबर दो, अन्य भाषा का वरदान सबके लिए नहीं, लेकिन ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है। आइए देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 1, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और वे सब अन्य भाषा में बोलने लगे। तो अन्य भाषा का वरदान सभी के लिए है, चुनिंदा लोगों के लिए नहीं। अन्य भाषा का वरदान हर उस व्यक्ति के लिए है जो पूरे विश्वास से परमेश्वर से इसे मांगता है। गलत भ्रांति नंबर 3, मैं
प्रयास कर चुका हूँ और मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, अतः ये मेरे लिए नहीं है। अन्य भाषा का वरदान ऐसा वरदान नहीं जिसे 2 मिनट की प्रार्थना या छोटी प्रार्थना करने से आप इसको पा सके। अन्य भाषा का वरदान पाने के लिए आपको दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय होना जरूरी है, और एक दृढ़ संकल्प के साथ जब आप लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर से इसे मांगे तो ये आपको अवश्य मिलेगा। मेरे व्यक्तिगत तजुर्बे में मुझे 3 हफ्ते तक लगातार सुबह और शाम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक प्रार्थना करने के बाद ये वरदान मुझे मिला। कई बार आपको 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना भी करना पड़ सकता है इस वरदान को पाने के लिए। तो अगर आपका प्रार्थना का जीवन एक समर्पित प्रार्थना का जीवन नहीं है तो अन्य भाषा का वरदान आपके लिए पाना मुश्किल हो सकता है। अक्सर अन्य भाषा का वरदान उन लोगों को नहीं मिलता जो अपने मन में बहुत सारे बहाने और बहुत सारी ऐसी आयतों का रेफरेंस दे देकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अन्य भाषा का वरदान हर किसी के लिए नहीं, या अन्य भाषा का वरदान केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए है या केवल वैसे व्यक्तियों के लिए है। तो इस तरह के लोगों को अन्य भाषा का वरदान नहीं मिल पाता क्योंकि वो अपने मन में पहले ही डिनायल की जो है स्थिति में रहते हैं। बहुत बार कई विश्वासियों को ऐसा लगता है कि एक बार उनके पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का वरदान पाए जाने के बाद यदि वो कोई गलती करें या काफी समय तक वो प्रार्थना ना कर पाए तो उनका अन्य भाषा का वरदान चला जाता है या उनका अन्य भाषा का वरदान खत्म हो जाता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा नहीं कहता। रोमियो की पत्री 11 अध्याय और 29 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। इसी को यदि हम इंग्लिश में पढ़े तो ये कहता है, फॉर द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग्स ऑफ गॉड आर इरेवोकेबल, यानी परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर के दिए वरदान वापस नहीं लिए जा सकते या परमेश्वर इनको वापस नहीं लेते। सो आपकी गलती करने या लंबे समय तक अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल ना करने के कारण आपके गिफ्ट्स खत्म नहीं हो जाते, चले नहीं जाते। बल्कि एक व्यक्ति यदि वो एक अपवित्र जीवन भी जीता है तो उस अपवित्र जीवन के साथ भी वो इन गिफ्ट्स का, इन परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों का इस्तेमाल करता रह सकता है। पर आपको अन्य भाषा का वरदान या परमेश्वर के द्वारा अन्य कई वरदानों का मिलना और आपका उनका उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करना आपके उद्धार और आपके छुटकारे और आपके स्वर्ग राज्य को पक्का नहीं करता या इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप स्वर्ग राज्य के वारिस हैं या आप स्वर्ग राज्य के योग्य हैं। एक मसीह विश्वासी बिना कोई वरदान परमेश्वर से पाए स्वर्ग राज्य का वारिस और उसके योग्य हो सकता है। वहीं एक मसीह विश्वासी सारे वरदान होने के बावजूद भी और उनको इस्तेमाल करने के बावजूद भी स्वर्ग राज्य से वंचित रह सकता है। अतः आप अपने वरदानों और उन वरदानों के इस्तेमाल किए जाने को अपने मार्ग में ना आने दें और उसकी वजह से आप घमंड ना करें, अपनी बढ़ाई ना करें और अपने आप को अयोग्य ना बना लें। अतः यदि आप वरदान पा चुके हैं और लंबे समय से आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, 2 तीमुथियुस की पत्री 1:6, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला चमका दे। अभी अपने वरदान को इस्तेमाल करना शुरू करें और उस वरदान को वापस से चमका दें या रिन्यू कर दें। भिन्न भिन्न लोगों के लिए अन्य भाषा का वरदान मिलने का समय भिन्न हो सकता है। कई बार कई लोगों को देखा गया है कि उन्हें पहले दिन आराधना करने के तुरंत बाद ही उन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला। वहीं कई लोगों को देखा गया है
कि उन्हें अन्य भाषा कई महीनों तक एक लंबे समय तक मांगने के बाद भी उन्हें अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला। लेकिन जिनको नहीं मिला उसका अर्थ ये नहीं होता कि वह वरदान उनके लिए नहीं है। अन्य भाषा का वरदान हर एक मांगने वाले के लिए है, लेकिन किसी को पवित्र आत्मा ज्यादा समय लेता है देने के लिए, वहीं किसी को पवित्र आत्मा तुरंत दे देता है। शैतान के द्वारा फैलाई गई गलत भ्रांति नंबर 3, मुझे अन्य भाषा के वरदान की जरूरत नहीं है। तो यदि एक व्यक्ति कहता है कि उसे अन्य भाषा के वरदान की जरूरत नहीं, तो यह उस व्यक्ति की मूर्खता होगी, क्योंकि अगर विश्वासियों को अन्य भाषा के वरदान की जरूरत ना होती तो परमेश्वर पिता ने इसका प्रावधान ही ना रखा होता। तो अन्य भाषा का वरदान यदि है, और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में सभी विश्वासियों ने अन्य भाषा का वरदान पाया, और वर्तमान समय में भी बहुत से लोग अन्य भाषा का वरदान पाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अन्य भाषा का वरदान पाए और अन्य भाषा में प्रार्थना करे। वर्तमान समय में ऐसी बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जो अन्य भाषा का वरदान पर विश्वास नहीं करते, और वह परमेश्वर के द्वारा अलौकिक कार्यों पर भी विश्वास नहीं करते, चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, अद्भुत कामों पर विश्वास नहीं करते और चंगाइयों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वे बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र की गहरी बातों का भी रहस्य उद्घाटन करते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 4:20 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। अतः इस वचन के अनुसार वर्तमान समय में कलीसियाओं में सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ वचन का प्रचार नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ का प्रदर्शन भी जरूरी है। चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा और चंगाइयों के द्वारा। गलत भ्रांति नंबर 4, अन्य भाषा का वरदान प्रथम कलीसिया प्रेरितों के काम के बाद, जो प्रथम कलीसिया थी उसके बाद ही खत्म हो गया, और उसके बाद ये स्वर्ग से दिया जाना बंद हो गया। वर्तमान समय में बहुत से विश्वासी, और मैं खुद अन्य भाषा का वरदान रखता हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। आइए देखते हैं पवित्र शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार 16:17-18 कहती है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। इस वचन के अनुसार हम जानते हैं कि अन्य भाषा का वरदान हर उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। गलत भ्रांति नंबर 5, बहुत से लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने को अजीब मानते हैं, जो कि गलत स्वभाव है। एक मसीह विश्वासी होने के नाते आपको अलौकिक स्वर्गीय वरदानों को संभालना, उनका इस्तेमाल करना और उनको अपने साथ लेकर मसीह जीवन में आगे बढ़ना आना चाहिए, और आपको किसी भी रीति से ये अजीब या भयानक या डरावने नहीं लगने चाहिए। अलग अलग इंसानों के साथ, अलग अलग विश्वासियों के साथ अन्य भाषा अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है, और कई बार सुनने वालों को वो अजीब भी लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी अन्य भाषा और अन्य भाषा के वे शब्द जो आप बोलते हैं वे गलत हैं या वे झूठ हैं। अतः किसी की अन्य भाषा का सच या झूठ होने का निर्णय कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ना करे। बहुत बार ऐसा होता है कि कई विश्वासी अन्य भाषा का वरदान पा चुके होते हैं, लेकिन वे इस बात से अवेयर नहीं होते, वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, अनजान रहते हैं, क्योंकि शैतान उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं करने देता कि वे अन्य भाषा का वरदान पा चुके होते हैं, और वे सारा समय झिझक के कारण अपने अन्य भाषा के वरदान को प्रैक्टिस नहीं कर पाते और उसका इस्तेमाल करके अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपकी आत्मा को तृप्त करता है और रिन्यू और रिफ्रेश करता है। पहला कुरिन्थियों
उसकी 14वीं और 4थी आयत इस प्रकार कहती है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अतः यदि आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। यहूदा की पत्री अध्याय 1:20 आयत कहती है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, या अपनी उन्नति करने के लिए आपको पवित्र आत्मा या अन्य भाषा में प्रार्थना करना आवश्यक है। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 14:18 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, एक बहुत ही उत्साह रखने वाला व्यक्ति अन्य सभी से ज्यादा अन्य भाषा में बोलता है। तो यदि पौलुस अन्य भाषा में बोलता है तो आपको भी अन्य भाषा में बोलना चाहिए या अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपको मददगार होता है, आपकी हेल्प करता है जब आप दुष्ट आत्माओं के साथ या स्पिरिचुअल रियलम में, आत्मिक क्षेत्र में आप शैतान के द्वारा युद्ध करते हैं या उससे आप लड़ते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना दुष्ट आत्माओं और शैतान की सारी सेना के बीच में गड़बड़ी और कंफ्यूजन पैदा करता है। तो जब कभी आप डिमोनिक अटैक में फंसे या शैतानी हमले में फंसे, दुष्ट आत्माओं के हमले में फंसे, तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें और ये दुष्ट आत्माओं के बीच में जो है गड़बड़ी पैदा करेगा और कंफ्यूजन पैदा करेगा, और परमेश्वर का आत्मा के में प्रार्थना करने के द्वारा आप हर एक दुष्ट आत्मा शैतान की सारी शक्तियों पर जयवंत होंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक और अन्य भाषा के ही द्वारा हमारे प्रभु परमेश्वर ने पहली कलीसिया की स्थापना करी थी और पहली कलीसिया की शुरुआत हुई थी। तो यदि परमेश्वर ने अन्य भाषा के वरदान को एक सबसे पहले पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया तो ये बिल्कुल भी बुद्धिमता नहीं होगी कि आप पहले ही पड़ाव को छोड़ दें और पहले ही पड़ाव में आप विफल हो जाएं। लूका रचित सुसमाचार 24वीं आयत और 49वें वचन में इस प्रकार लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, या ये वही दृश्य है जिसमें प्रेरितों के काम के पुस्तक में कलीसिया ने पवित्र आत्मा का वरदान और अन्य भाषा का वरदान पाया था। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक ना पाओ तब तक ठहरे रहो। बहुत बार देखा गया है कि बहुत से विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में थक जाते हैं और वो हार जाते हैं, वो हार मान लेते हैं और वो थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपनी ही शक्ति से चलते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार चलते हैं, अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता के अनुसार चलते हैं, जबकि उनको चलना चाहिए स्वर्गीय शक्ति के अनुसार, उस शक्ति से के अनुसार जो स्वर्ग से परमेश्वर उन्हें देते हैं, वो वरदान जो परमेश्वर देते हैं। और उन वरदानों में से एक सबसे अहम वरदान है अन्य भाषा का वरदान। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है वो स्वर्गीय आशीषों से, स्वर्गीय सामर्थ्य से भरकर और शक्ति से भरकर परमेश्वर के कार्यों को करे और परमेश्वर के लोगों को छुड़ाए और लोगों को बंधुआई से आजाद कराए और शक्ति और सामर्थ्य से भरकर उनको बीमारियों से चंगा करे और सब तरह के शैतान के कामों से आजाद करे। लेकिन ये सब करने के लिए एक विश्वासी को स्वर्गीय सामर्थ्य की जरूरत है, स्वर्गीय गिफ्ट्स की और उन वरदानों की जरूरत है जो परमेश्वर उन्हें देते हैं। जब एक व्यक्ति अन्य भाषा का वरदान पाता है तो ये वरदान पाने से उसका विश्वास कहीं गुना बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए विश्वास से उसको मदद मिलती है परमेश्वर के द्वारा और कई वरदानों को पाने की,
जैसे कि दर्शन देखना, भविष्यवाणी करना और बंधुआई में पड़े हुए लोगों की छुड़ौती करना, शैतान के चंगुल से लोगों को आजाद करना, बीमारों को चंगा करना। तो इन सब वरदानों की शुरुआत जो है वो अन्य भाषा से होनी चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा का वरदान एक व्यक्ति के विश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। एक व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जब वह अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना में कितना समय बिताए उसको पता नहीं चलता और वो एक लंबे समय तक प्रार्थना में बैठा रह सकता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना में कई घंटे या कई पहर, एक पूरी रात बिता सकता है और वह अन्य भाषा में और अपनी प्राकृतिक भाषा में, नेचुरल भाषा में प्रे कर सकता है। अगर एक व्यक्ति अन्य भाषा के बिना प्रार्थना करता है तो उसके शब्द और उसकी प्रार्थनाएं थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं और वह शब्दों से रहित हो जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और अपनी प्राकृतिक भाषा में प्रार्थना करता है तो वह इस प्रकार की प्रार्थना में कई घंटे बैठ सकता है, कई घंटे बिता सकता है। अब मैं आपको वो तरीके बताता हूं जिनके द्वारा आप अन्य भाषा का वरदान पा सकते हैं। पहला कुरंथियों 14 और उसकी एक आयत कहती है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, वचन हमें सिखाता है कि हम हमेशा इनकी धुन में रहें और हम हमेशा ये सोचें कि किस तरह से हमें ये मिल जाए, किस तरह से हम प्रार्थना करें कि हमें ये वरदान मिले और ये हमारी जिंदगी में एक्टिव हो। और अगर हम प्रार्थना पूर्वक इनको लगातार हम मांगेंगे तो ये वरदान हमारी जिंदगी में एक्टिव होंगे, परमेश्वर हमें ये वरदान देंगे और ये वरदान हम इस्तेमाल कर सकेंगे। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है या एक पासवान यदि आपके लिए प्रार्थना करे तो भी आप अन्य भाषा का वरदान पा सकते हैं। जब भी एक लंबे समय के बाद प्रार्थना करने के बाद या किसी भी समय प्रार्थना में आप अन्य भाषा का वरदान पाने वाले होंगे तो शैतान आपके पास आएगा, वो आपके कान में आपसे बोलेगा और आपको ये समझाएगा कि ये अन्य भाषा नहीं, ये आप खुद अपने मुंह को हिला रहे हैं और आप खुद अपनी जुबान को चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप प्रार्थना में बैठे हैं और आपको लगे कि आपके होंठ, आपकी जीभ जो है वो आपके नियंत्रण से बाहर होकर खुद ही चलने लगी है तो आप शैतान की आवाज को ना सुने और ये जान जाएं कि अन्य भाषा का वरदान आपको दिया जा चुका है। आप अपनी जुबान को लड़खड़ाने दें और जो शब्द आपके मुंह में आते हैं उन शब्दों को बोलते चलें, उन शब्दों को दोहराते चलें, जब जितने भी नए शब्द आपके मन में आए या पुराने शब्द आप दोहराएं उनको आप बिना सोचे समझे प्रार्थना में बैठे हुए तो उनको बोलते रहें, दोहराते रहें, दोहराते रहें जब तक आपका दिल करे, चाहे एक घंटा, चाहे दो घंटा, जितना भी आपका दिल करे आप उनको दोहराते रहें। और जब अगले दिन जब आप या नेक्स्ट टाइम जब आप प्रार्थना में बैठे तो भी आप उसी प्रकार जो है उसी प्रकार शुरू करें, धन्यवाद करना शुरू करें और जब आपकी जुबान से जो है शब्द, अनजाने शब्द निकलने लगे तो आप उन शब्दों को बिल्कुल भी झिझक ना करें, बिल्कुल भी शंका ना करें और उन शब्दों को दोहराते रहें और इस प्रकार अन्य भाषा का वरदान आपके जीवन में बढ़ता जाएगा और अन्य भाषा का वरदान के द्वारा आप विश्वास बढ़ा के और भी कई वरदानों को अपने जीवन में पा सकते हैं। तो परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।